हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी गद्य खंड का प्रश्न बैंक का पूरा सलूशन। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देख लीजिए, इसमें आवंटित अंक दिए हुए कुल 20 अंक, इकाई क्रमांक 2 इकाई पर आवंटित अंक 20। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, सही विकल्प चुनिए। पहला दिया हुआ है, पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंसीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? वकील, दरोगा, मैनेजर, शिक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? नान भाई गड़ैया वाले, नान भाई खोमचे वाले, नान भाई तुर्रम वाली, नान भाई असाटी वाले। जो ऑप्शन सही है उसको आपको टिक कर लेना। तीसरा दिया हुआ है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा? इससे इसमें यह वाक है, बंसीधर का, धनराज का, पुरोहित का, त्रिलोक सिंह का। अगला है, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? चिकित्सा की फाइल, जीवन की फाइल, कार्यालयीन फाइल, पर्सनल फाइल। पाँचवा है, भारत शब्द किस भाषा का? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। फिर अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक हैं। दूसरा, मियां नसीरुद्दीन ने डैश डैश बनाने का हुनर सीखा था। तीसरा है, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान डैश डैश था। चौथा है, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ डैश डैश है। पाँचवा है, नेहरू जी जलसों में डैश 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 की चर्चा करते थे। जो जो भी यहाँ पर भरा जाएगा वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका से देखकर भर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें 5 दिए हुए हैं, 5 पॉइंट है। जो भी इसमें सत्य हो उस पर आपको सत्य लिखना है, जो असत्य हो उसको आपको असत्य लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सही जोड़ी बनाइए, एक तरफ खंड का एक तरफ खंड खा है, तो आपको इनको मिलान कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। 5 दिए हुए तो इनको आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। फिर दिया है, द्विअंकीय प्रश्न। द्विअंकीय प्रश्न में प्रश्न 1, प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से दिए हुए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे द्विअंकी वाले प्रश्न दिए हुए, तो आप इनको कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, गद्य खंड के क्लास 11th हिंदी के। फिर 3 अंकीय प्रश्न दिए हुए, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउट नेट पर चल रहा है बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में आपको डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का संशोधन भी। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात दोस्तों, इस लिंक पर जाकर अगर आप नित्या कूपन कोड लगाएंगे तो 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की दोस्तों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर। इस प्रकार से 3 अंकीय प्रश्न दिए हुए हैं, 10। फिर इस प्रकार से 4 अंकीय वाले प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिखनी है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 दिए हुए हैं। फिर इसके बाद दिया है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो दिए हुए हैं पद्यांश, इनको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेनी है। फिर ये आपको कर लेना है। फिर दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।